हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द कॉस्ट एडिट। सो गाइस, कैसे हो सारे? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होगा हमसे की तरह। सो आज की इस वीडियो में हम लोग एडिट नहीं करने वाले भाई, बट आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि न्यू एंड टेक्स्ट फंड खुद का आप लोग कैसे बना सकते हो। रिसेंटली मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आप लोगों से पूछा था कि आप लोग इस पर वीडियो चाहते हो या न्यू एंड टेक्स्ट फंड कैसे बनाते हो, तो आप सभी का कमेंट आता भाई कि हाँ इस पर आप वीडियो लाओ। एंड इसको लेकर के मैं इंस्टाग्राम पर वोटिंग भी की थी, जिसमें आप सभी देख सकते हो भाई कि 80% लोग कह रहे कि हाँ भाई इस पर वीडियो लाओ। एंड इंस्टाग्राम की बात निकली गई तो मुझे इंस्टा पर जाकर आप लोग फॉलो कर लेना भाई, वहाँ पर मैं काफ़ी अपडेट देते रहता हूँ। तो चल फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आपको सबसे पहले अपने फोन के अंदर भाई पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेना। एंड ये ऐप है आपको मिल जाएगा भाई प्ले स्टोर पे, तो आप लोग वहाँ से इंस्टॉल कर लेना इसे। एंड इंस्टॉल करने के बाद आप उसे ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो आप लोग जस्ट क्या करना है, जो न्यू टेक्स्ट है उस पर उसके ऊपर आप लोग को डबल टैप करना है। ओके, मैं यहाँ पे टैप करता हूँ। एंड उसके बाद भाई यहाँ पे आप लोग जो चाहो आप लोग वहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैं आप लोग एग्जांपल के लिए यहाँ पे अपना नाम ही लिख देता हूँ भाई, गौस, ठीक है, गौस। तो यहाँ पे मैं गौस लिख दिया एंड यहाँ से मैं डन कर रहा हूँ। ओके, सो ये हो गया। एंड उसके बाद भाई क्या करना, उसके बाद हम लोग जो सिकंड दिख रहा आप लोग को ए लिखा हुआ, ठीक है, तो इस ए के ऊपर चले जाना हम लोग को। एंड इस पे आने के बाद भाई सबसे पहले इसका जो गौस जो हमने लिखा भाई, इस साइज को मैं यहाँ पे बढ़ा लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइज पर मैं जाता हूँ एंड इसका साइज को मैं इंक्रीज कर ले रहा हूँ यहाँ पे। एंड इतना साइज रखने के बाद हम लोग यहाँ से भाई 10 कर देंगे। ओके, सो ये हो गया। एंड इतना कर लेने के बाद भाई हम लोग इसका रिलेटिव पोजीशन को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, सो इस टाइप से। एंड उसके बाद भाई यहाँ से डन कर देना, ये हो गया। एंड भाई इसके बाद हम लोग नीचे तरफ स्क्रॉल करना है। एंड इसका भाई कलर जो है ये वाइट है, तो अभी इसे हम लोग ब्लैक कर लेंगे, ठीक है, ब्लैक कलर रखना अपने फोन का, ठीक है। सो ये हो गया भाई, ब्लैक कलर हमने बना लिया। एंड ब्लैक कलर करने के बाद फिर हम लोग नीचे की तरफ इधर स्क्रॉल करेंगे भाई। एंड स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आएगा फॉन्ट भाई, ठीक है। तो ये फॉन्ट स्टाइल जो है आप चेंज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे फॉन्ट में जाता हूँ स्टाइल चेंज करने के लिए। फॉन्ट में आने के बाद भाई यहाँ पे आप लोग काफ़ी सा यहाँ पे मिलता है भाई, स्टाइलिश फॉन्ट मिलता है, तो आप लोग यहाँ से किसी भी का ले सकते हो भाई, काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइनर है, तो आप लोग किसी को भी चूज कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ भाई जो अच्छा सा, ठीक है, तो मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, मैं उसे माई फॉन्ट में रखता हूँ। तो यहाँ से गया एंड इसे मैं यहाँ से ऐड कर लिया। एंड लेने के बाद यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। सो ये हो गया। एंड इस टाइप से भाई आपको फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेना। एंड उसके बाद क्या करना आप लोग को, फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के बाद भाई आप लोग को यहाँ से चले आना भाई नीचे तरफ स्क्रॉल करना। एंड यहाँ पे आप लोग को दिखेगा स्ट्रोक में आना है यहाँ। ओके, एंड स्ट्रोक में आने के बाद भाई इसको इनेबल करना आप लोग को। एंड इसका अभी ये ब्लैक है तो इसको वाइट करना, ठीक है, वाइट कलर का यहाँ से ले लेना। एंड वाइट कलर लेने के बाद इसका जो साइज है भाई, स्ट्रोक साइज जो है, इसको कुछ रखना आप लोग को 14 के आसपास। ओके, एंड उसके बाद भी यहाँ से आप लोग को डन कर देना। सो ये भी हो गया। एंड ये कर लेने के बाद भाई अब आप लोग देखो ऊपर की तरफ आप लोग को यहाँ पे एक प्लस का आइकॉन आ रहा, तो आप लोग को इस प्लस का आइकॉन पे आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना। एंड यहाँ पे आप लोग जो शॉप दिख रहा भाई, शॉप्स, तो आप लोग को इसके ऊपर क्लिक करना, ठीक है। एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद भाई यहाँ से आप लोग किसी की टाइप कर ले सकते हो, जैसे अभी तो ये फोन एंगल है, तो मैं यहाँ से राउंड को ले रहा हूँ, राउंड को चूज़ किया। एंड ये अभी वाइट कलर है, तो इसे मैं यहाँ से ब्लैक कलर चूज़ करूँगा, ठीक है। सो ऐसे मैं ब्लैक कलर से बना लेता हूँ। एंड ब्लैक कलर लेने के बाद भाई हम लोग क्या करेंगे, साइज एकदम बिल्कुल ही भाई पॉइंट, मतलब छोटा सा बना देना है इसे, ठीक है। सो कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पर बना दिया। एंड इस टाइप से करने के बाद भाई यहाँ से डन करेंगे हम लोग। एंड उसके बाद भाई ये हो गया। एंड इस टाइप का हो जाएगा आपका, तो उसके बाद हम लोग को थर्ड वाले ऑप्शन पे चलाना, ठीक है, जो राउंड सा दिख रहा भाई, तो इस थर्ड वाले ऑप्शन पे आना। एंड यहाँ पे आने के बाद आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करना। एंड यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले इसका रिलेटिव साइज जो है, साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेना, मतलब 3 तो भाई और भी छोटा कर लेना, बिल्कुल एकदम पॉइंट के माफिक बना लेना। एंड उसके बाद इसका पोजीशन को सेट करना, ठीक है। एंड पोजीशन आपको रखना भाई, ये जो आपने जो अभी फॉन्ट जो टेक्स्ट किया भाई, इसमें जो आप लोग को ब्लैक दिख रहा वो ब्लैक में ला के इसे मैच कर देना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लाया एंड ब्लैक में इसे ला के छोड़ दिया। एंड उसके बाद मैं यहाँ से डन कर रहा हूँ। सो किसी स्टेप से आप लोग को पॉइंट बनाना, जो आपका जो आप सैप्स करोगे, सैप जो करोगे भाई, वो आप सैप को यहाँ पर आप सेट कर देना। एंड उसके बाद ये लेयर वाले ऑप्शन पर जाना आप लोग को। एंड उसके बाद इस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करना, ठीक है, ये वाले पे। एंड इस पर आप क्लिक करोगे तो ये कुछ 2-3 टूल आएंगे, तो उसके बाद आप लोग को ये दोनों पे टिक कर देना आप लोग ऊपर के साइड में। एंड ये वाले आप लोग को थर्ड वाले टूल पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपके सामने आएगा भाई, आर यू श्योर वांट टू मर्ज द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो आप लोग को यहाँ पे भाई ओके कर देना। ओके ओके, सो आप सभी को यहाँ पे ओके कर देना। एंड ओके करने से आपका ये होगा कि आपका जो फॉन्ट टेक्स्ट है, आपको जो पॉइंट था, वो दोनों यहाँ पे आपका मर्ज हो चुका है। एंड भाई मर्ज कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे ये करना, आप लोग को नीचे तरफ स्क्रॉल करना। एंड स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आप लोग को इरेज कलर दिखेगा, तो आप लोग को इस इरेज वाले कलर पर जाना है इतना करने के बाद। एंड इसे इनेबल करना है। एंड उसके बाद आप लोग को ये जो पेंसिल का
आइकॉन दिख रहा भाई, इस पर क्लिक करना एंड यहाँ से आप लोग कलर चूज कर लेना भाई ब्लैक कलर, ठीक है, जिसे आप लोग रिमूव करना भाई। तो यहाँ से मैंने इसे ब्लैक कलर चूज किया एंड यहाँ से मैं यहाँ से डन कर रहा हूँ इसे। एंड आप देख सकते हो भाई अब ये आउटलाइन बन चुका हमारा जो फॉन्ट था भाई, टेक्स्ट जो हमने किया था उसका आउटलाइन ये बन चुका। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से डन कर देंगे भाई इरेज कलर के। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें इतना अटक क्यों रहा हूँ। तो इरेज कलर से हम लोग को डन कर देना एंड उसके बाद हम लोग यहाँ जो शैडो आप लोग को दिख रहा, शैडो में हम लोग को आ जाना। ओके, मैं यहाँ पे शैडो पे टैप करता हूँ एंड इसे भाई यहाँ पे इनेबल कर लेना है। एंड इलेवन इन इलेबल मतलब कुछ भी, सो इनेबल करने के बाद भाई इसको यहाँ पे आप लोग कुछ भी कलर रख सकते हो भाई, येलो हो, ग्रीन हो, ब्लू, जो भी हो, बट मैं यहाँ पे पिंक कलर रख रहा हूँ, ठीक है। एंड इसका जो साइज है भाई मैं यहाँ पे कुछ रख रहा हूँ 22 ब्लर रेडियस, आप लोग इसके अमाउंट को 22 रखना है। एंड उसके बाद फिर आप लोग यहाँ शैडो से डन कर देना। ओके, सो ये हो गया भाई। एंड इस टाइप से करने के बाद अभी जो हमारा टेक्स्ट फॉन्ट जो है भाई इसका PNG नहीं बना, तो PNG बनाने के लिए हम लोग फोर्थ वाले ऑप्शन में आएंगे, ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे, जिससे भाई हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा एंड भाई ये जो टेक्स्ट फॉन्ट है वो PNG में कन्वर्ट हो जाएगा। सो कुछ इस टाइप से। एंड भाई अपने इस PNG को सेव करने के लिए ऊपर सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज, एंड उसके बाद सेव टू गैलरी पर क्लिक करके अपने इस PNG को सेव कर लेंगे यहाँ से। सो कुछ इसी टाइप से भाई बनता है यहाँ पे न्यू टेक्स्ट फॉन्ट, जो कि काफ़ी ईजी एंड आप भी आप लोग को यूज़ करके दिखाता हूँ भाई कि आप लोग इसे कैसे यूज़ कर सकते हो अपने किसी भी और बैकग्राउंड में या कहीं पे आप अगर इसे यूज करोगे। तो इसे मैं पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लिया एंड यहाँ पे मैं आप लोग को वो यूज़ करके दिखाऊंगा। यहाँ पे एक बैकग्राउंड को भी यहाँ पे मैं ओपन करके रखा हूँ। सो मैं ऐड फोटो में जाता हूँ, ऐड फोटो में जाने के बाद मैं यहाँ से उस वाले भाई जो हमने अभी जस्ट सेव किया था पिक्सल लैब ऐप से, उसे मैं यहाँ पे ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद मैं आप लोग देख सकते हो भाई कैसा न्यून लाइट लग रहा है या नहीं लग रहा। सो कुछ इसी टाइप से आप लोग पिक्सल लैब ऐप की हेल्प से अपने खुद का न्यून टेक्स्ट फॉन्ट बना सकते हो भाई, जो कि देखने में काफ़ी ऑसम से लगता है एंड आप इजीली इसे कहीं पर भी सेट फिक्स कर सकते हो भाई। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लेना भाई, क्योंकि मैं अपने वहाँ नेक्स्ट वीडियो के रिलेटेड आप सभी से वहाँ पर सजेशन लेते रहता हूँ भाई कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो कैसा देखना। सो आप लोग मुझे जरूर से भाई इंस्टा पर फॉलो कर लेना भाई। तो आज और क्या इंस्टाग्राम। सो गाइस होप करता हूँ आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, भाई हेल्पफुल रही होगी आप लोग के लिए। तो लाइक जरूर से करना भाई, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ फिर किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।